हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं प्रीति ढोटे प्रीति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल से इडली, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसके लिए मैंने 4 गिलास चावल लिए हुए हैं, जो मार्केट के ही चावल है। आपके घर में जो भी चावल हो, आप उससे भी इडली बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 गिलास उड़द की दाल ली है, जो बिना छिलके की धुली वाली, और 2 चम्मच मेथी के दाने लिए हुए हैं, उससे इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और 1 कटोरी पोहा लिया हुआ है, जिसको मैंने सबको भिगोने रख दिया है। पहले मैंने उड़द की दाल धोने के बाद अब मैं चावल को भी अच्छी तरह से धो लेती हूँ। उसमें भी पानी ऐड करती हूँ और उसको पानी से अच्छी तरह धो लेती हूँ। चावल धुलने के बाद मैंने यहाँ पे चावल में अच्छा वाला पानी डाल दिया है। चावल को मैं 4 से 5 घंटे भिगोने रख देती हूँ, और उड़द की दाल भी को भी मैं 4 से 5 घंटे रख देती हूँ, मेथी के दाने को भी, और पोहा भी मैंने भिगो के रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पानी डाल के रखा हुआ है। अब इसको थोड़ी देर अपन 5-6 घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। 5-6 घंटे पूरे होने के बाद ये मैंने इसमें का पानी निकाल लिया है। ये देखिए, उड़द की दाल का भी पानी निकाल लिया है और चावल का भी पानी निकाल लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में पीस लूंगी। पोहे का भी निकाल लिया और मेथी के दाने का भी निकाल लिया है। अब मैंने सबसे पहले चावल लिए हुए हैं, चावल को मैं पीस लेती हूँ। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए, मेरा वॉच टाइम बहुत कम है, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए। अब मैंने ये पीस लिया है, अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को इडली खाना कैसा लगता है। अब मैं यहाँ पे पोहा भी उसमें पीस लेती हूँ। इडली तो बच्चों बूढ़ों सबको पसंद आती है, आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके बताइए। इसी में मैं मेथी के दाने भी ऐड कर लेती हूँ। अब इसको भी पीस लिया है, अब दाल पीस लेती हूँ। दाल का भी बैटर बना लिया है और अब मैं सब एक इसमें मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें खमन आने के लिए इसको मिक्स करके खमन आने के लिए छोड़ देती हूँ। इसको मैं खमन के लिए 4-5 घंटे देखती हूँ, अगर नहीं आया तो फिर और थोड़ी देर के लिए रखूंगी। समथिंग 8-10 घंटे मैं इसको रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो जल्दी खमन नहीं आता है, गर्मी के मौसम में जल्दी खमन आ जाता है, इसलिए मैं उसका वेट करूंगी। ये देखिए, थोड़ा चिकना सा और अच्छा बैटर बना हुआ है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड, इस तरीके से इडली बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। मैंने इसे ढक के 8 घंटे के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड, बैटर फूल चुका है और बहुत ही सॉफ्ट और चिकना सा बना हुआ है, सॉफ्ट सा है, इससे फूला फूला भी बैटर है, इससे अपनी इडली बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगी। अब एक बॉल में मैंने फिर अलग से जितना मेरे को बनाना है बैटर, मैंने उतना बैटर ले लिया है, इडली जितनी बनानी मैंने उतना बैटर ले लिया है, और उसमें 1 चम्मच नमक डाला है, ऐड किया है और उसको फेंट लिया है। अब यहाँ पे इडली का छाछा लिया हुआ है, उसमें थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ। फ्रेंड, मैं सांभर की रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय मेरा गेस्ट आ चुके थे, गेस्ट आने के कारण मैं आप लोग के साथ सांभर की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, इसलिए सिर्फ मैंने इडली की रेसिपी ही शेयर की है। अगर आप लोग को चाहिए कि सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के साथ सांभर की भी रेसिपी शेयर करूंगी। अब पेस्ट में इसमें डाल देती हूँ।
प्लीज आप कमेंट करके बताया कीजिए कि कैसा वीडियो बन रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हो या मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताया कीजिए आप लोग कमेंट करके। और मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस किया कीजिए। इसमें मैंने पहले ही पानी डाल के रखा हुआ है, अब मैं उसमें इडली का बैटर रख देती हूँ। वो सांचे में डाल के रखा है वो अब रख देती हूँ उसमें, और इसका ढक्कन लगा देती हूँ, इसको थोड़ी देर होने देती हूँ। देखिए फ्रेंड, इडली बनके तैयार है। बहुत बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और लाइक, कमेंट, फॉलो, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बताइए कि मेरी इडली की रेसिपी क्या।